आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को किया याद और बोले, यह हमारे सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। ऑक्सीजन संयंत्रों की होगी मॉक ड्रिल, तीसरी लहर के पहले ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली को दुरुस्त करने में जुटी सरकार। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारे गए लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने दिया सांस्कृतिक विरासत का दर्जा, मोदी और ममता बोले ये गर्व का पल। सीडीएस नहीं सीओएससी चेयरमैन बने जनरल नरवड़े, आर्मी चीफ को मिली तीनों सेनाओं की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सवालों पर भड़के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र, टेनी मीडिया को कहा चोर। प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों ने लगवाई टीके की पहली डोज, वैक्सीनेशन में यूपी टॉप पर। योगी सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, कौशल विकास प्रशिक्षण में 30% आरक्षण का फैसला। रियल एस्टेट कंपनी के निर्देशक से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, लखनऊ पुलिस ने सुल्तानपुर में दबोचा। सीएम योगी ने लॉन्च किया आकांक्षा पेटी, बोले जनता दे सुझाव, यूपी को नंबर 1 बनाना हमारा संकल्प। डोमिनिकन गणराज्य में प्लेन हुआ क्रैश, 9 लोगों की मौत, लॉस अमेरिका एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ यह हादसा। भारत के लिए नामित राजदूत एरिक माइकल गारसिटी बोले, भारत अमेरिका का बढ़ता रक्षा कारोबार संबंधों की सफलता का नतीजा। हांगकांग के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी आग, अंदर फंसे 300 से अधिक लोग। कोरोना के चलते फिलहाल नहीं खुलेंगे एप्पल के ऑफिस, कर्मचारियों को मिलेगा ₹75,000 का बोनस। अमेरिका ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ पास किया कानून, जिजियांग से आयात होने वाले सामान पर लगेगी रोक। भारतीय क्रिकेट में खराब दौर का आहट, विराट कोहली के बयान से बीसीसीआई है नाराज। पैट कमिंस हुए डे नाइट टेस्ट से बाहर, स्वीट स्मिथ को मिली ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी। कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली और सौरव गांगुली आमने सामने, छिड़ी जुबानी जंग। दौरे पर रवाना होने से पहले विराट कोहली बोले, दक्षिण अफ्रीका में कुछ विशेष करने का मौका। पाकिस्तान दर्शकों को देगा नया लालच, टिकट सस्ती करने के बावजूद खाली रहा था स्टेडियम। आलिया भट्ट के लिए मुसीबत, होम क्वारंटीन नियम का उल्लंघन कर पहुंची दिल्ली, एक्ट्रेस को ढूंढ रही है बीएमसी। महीप कपूर के बाद उनकी बेटी शनाया कपूर भी हुई कोरोना पॉजिटिव, 4 दिन पहले नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। कियारा आडवाणी ने खरीदी एक नई ऑडी, इस कार की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए। ब्रह्मास्त्र का पहला जबरदस्त मोशन पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघर में दस्तक देगी फिल्म।
अंकिता लोखंडे ने अपनी शादी में की जमकर मस्ती, अंगूठी ढूंढने की रस्म वाला वीडियो भी हुआ वायरल। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।